हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। जैसा कि मेरा नाम है, वीडियो का नाम है हिस्ट्री विद अलका सिंह। तो इसमें हम आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और इसमें हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, पूरा कंटेंट हम आपके साथ बात करेंगे और इसमें पढ़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसका नाम है हिस्ट्री विद अलका सिंह। मैं अलका सिंह आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूं और हिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट वन बाय वन से भी वीडियो को लेकर आएंगे, उसमें स्टडी करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। होल हिस्ट्री पूरा सिलेबस ही कम्प्लीट इसमें हम करवाएंगे। तो आज से हम ये पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पहला वीडियो में फर्स्ट मेरा ये रहेगा कि पहले आपको हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाएं, फिर मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आज हम पहला वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। आई विल टीच यू हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री को पढ़े, स्टडी किए और सारी इंफॉर्मेशन बताए, उसको हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्टोरियन थे, वो हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किए। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है। द सेकेंड पार्ट इज मिडिवल हिस्ट्री। एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे ये डिवीजन हुआ, कैसे इसकी डेट चली और कब ये खत्म हुआ। द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। द हिस्टोरियंस हैज डिवाइडेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स दैट व्हाई डू वी कॉल एंशिएंट हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। टुडे टॉपिक फॉर अवर वीडियो इज एंशिएंट हिस्ट्री। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे इसमें आप लोगों को। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस। हम लोग जैसा कि जान रहे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जानना चाहिए कि पहले क्या होता है ये। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है। हिस्ट्री का हिंदी वर्ड होता है इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास बोलते हैं। इतिहास दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास। एज यू एस देखो यहाँ पे इति प्लस हास। इति मीन्स ऐसा और हास मतलब घटित है। ऐसा जो घटनाएं हैं, जो घटित हो चुकी है, उसकी जब अध्ययन करते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट द इवेंट व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस, व्हिच हैज बीन पास्ड अवे, उस सभी घटनाएं के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो चेंजेस, ये क्लियर हो गया आप लोगों को हिस्ट्री मीन्स क्या होता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द चेंज इन द इवेंट। चेंजेस किस किस तरह में हो सकता है। Changes in the events. अब किस तरह का परिवर्तन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो changes in the society. Society में किस तरह का changes हुआ, किस तरह का development हुआ ancient time में किस तरह का development हुआ, medieval में किस तरह का society में लोग रहते थे, फिर आगे modern और आज 21st century में किस तरह का society लोग रहते हैं, तो उसी के study को हम लोग कैसे परिवर्तन हो कर आज हम लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटिकल चेंज में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल में क्या क्या किस तरह का चेंजेस आया, उसके स्टडी को करेंगे।
और चेंजेस क्या ला सकता है। चेंजेस इकोनॉमिकल भी हो सकता है, किस तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पहले हुआ करता था अभी या 100 साल पहले हुआ करता था। रिलीजियस चेंजेस दे सकते हैं, पहले लोग किस क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, आज क्या धर्म के नाम पे किस तरीके के धारणाएं हैं, व्यथाएं हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या क्या परिवर्तन आया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और क्या कर सकते हो, इसमें कल्चर के बारे में भी जान सकते हो कि कल्चर में किस तरह का डेवलपमेंट आया उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। और लास्ट में ये जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंशिएंट मिडिवल में या मॉडर्न में एक एक करके बड़े बड़े डायनेस्टी आए, जैसे मौर्य एम्पायर आया था, अशोक आए थे, तो वो सभी का फिर बाद में डिक्लाइन हुआ था। तो एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर किंगडम आए, पर फिर वो डिक्लाइन होते चले गए। पर क्यों डिक्लाइन हुए उसका हम लोग रीजन जानेंगे। तो लाइक दिस वी विल लर्न अबाउट द चेंजेस ऑफ द इवेंट्स इन द पास्ट ऑफ अवर कंट्री। हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इंडिया को सेंटर में रखते हुए कि इंडिया में आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किस तरह के कैसे लोग रहते थे, कैसी वेशभूषा, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे घर में रहते थे, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हुए आज हम लोग 20th century में आज आ गए हैं। उसी का स्टडी हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में करेंगे। अब हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को हम लोग डेट से कंसिडर करते हैं। हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में हम लोग सभी इवेंट को डेट को कंसिडर करते हैं, हिस्ट्री विदाउट डेट हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज जैसे मानो कि आज मेरा डेट है, आज कितना डेट है, आज 1st August 2020 है, कल जो डेट आ जाएगा वो 2 August 2020 हो जाएगा। तो आज कल 1 August 2020 के डेट में क्या क्या इवेंट घटनाएं घटित हुए थे उस डेट के आधार पर ही हम लोग बताते हैं और लिखते हैं। उसी तरीके से आज से 1500 साल पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुए थे वो हम लोग डेट के अनुसार ही समझते हैं और हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग डेट कैसे कंसिडर किए हैं, कैसे हम लोग माने हैं कि ये डेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज यहाँ, जैसे कि देखो तुम ये कह सकते हो अब आज हम लोग कौन सी ईयर में रह रहे, टुडे वी आर लिविंग इन 2020 ईयर, अभी हम लोग 2020 ईयर में रह रहे हैं। आज से 2020 साल पहले क्या हुआ करता था या फिर उसके पहले हम लोग डेट को कैसे कंसिडर किए। तो डेट को कंसिडर करने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री को लिखा, उन्होंने डेट को कंसिडर करने के लिए जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, मान लो कि ये जीरो पीरियड है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको उन्होंने जीरो पीरियड माना है। ये जीरो पीरियड इन्होंने माना है, ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने जीरो पीरियड माना है। और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, मतलब इस सब तुम जा सकते हो, इस सब जितने भी सारे इवेंट घटनाएं घटित हुई हैं उसको हम लोग बीसी डेट के आगे बीसी लिखते हैं। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट है, मतलब क्राइस्ट जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के पहले जो जो घटनाएं घटित हुई थी, इवेंट्स जो हुए थे, वो सभी हम लोग बीसी में, डेट को बीसी में डाल के हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं। और उसके बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट है, और उसके बाद जीरो पीरियड के बाद यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको एडी कह सकते हो, एना डोमिनी इसको बोला जाता है। पर ये चूंकि ये जीसस क्राइस्ट रिलीजियस के नाम पे ना हो, रिलीजियस इसमें ना हो, ये इसको सेकुलर बनाते हुए हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस थे इसको सेकुलर बनाते हुए इसका नाम चेंज करके यहाँ पे सीई किया, मतलब कॉमन एरा। सीई मीन्स कॉमन एरा, तुम देखोगे डेट के आगे सीई बी सी लिखा होता है, तो ये जो था ये कॉमन एरा आ गया। और इसके पहले जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसको बी सी ई बता दिया गया। बी सी ई मतलब बिफोर कॉमन एरा, सभी जो इवेंट, ऑल द इवेंट्स विच हैज बीन टेकन प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से हम लोग डेट को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पीछे की तरफ है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले है, ये घटनाएं यहाँ से, ये जो घटनाएं, मान लो कि यहाँ पे कोई राजा, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400
पीरियड है, और किसी राजा का जन्म होता है 400 पीरियड में, तो वो 50 साल तक जीता है, तो उसकी उसकी डेथ जो होगी वो 350 ईयर बीसीई कहलाएगा। वो बीसीई क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीछे से यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, यहाँ से ये पढ़ रहे हैं। जैसे ये जीरो पीरियड है, इसको 10 मान सकते हो, इसको 100 मान सकते हो, इसको 200 मान सकते हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पीछे से आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री को पढ़े हैं। तो बीसी बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले अगर किसी राजा का जन्म 400 में होता है, तो उनकी मृत्यु हम लोग 350 साल डेट डालते हैं। तुम एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में देखते हो कि डेट है वहां पे पीछे की तरफ जा रहा है, तो यही कारण है कि डेट यहाँ पे पीछे की तरफ जा रहा है। पर ऐसा सी में नहीं होता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी इवेंट्स आए, डेट्स लिखे होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जीरो के बाद ये आगे बढ़ रहा है। ये जीरो के बाद यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ पे 200 हो रहा है। तो मान लो किसी राजा का जन्म यहाँ पे 200 में हो रहा है, और वो 50 साल तक जीता है, और उसकी मृत्यु 50 साल में हो जाती है, तो उसकी जो डेथ होगा 2050 CE हो कहलाएगा। यहाँ पे आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये डेट वाला जो कंसेप्ट जो बात है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे हम लोग जानेंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज के आधार पे, क्योंकि आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या घटे, व्हाट आर द इवेंट्स टुक प्लेस, उस समय ना हम लोग थे ना हमारे कोई दादा परदादा हुआ करते थे। तो अभी सवाल आता है कि उस टाइम जो चीज़ यूज किया जाता था वो सब की जानकारी कैसे हमें मिली, हिस्ट्री की जानकारी कैसे मिली। तो हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। हिस्ट्री किसके आधार पे पढ़ा जाता है? हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के आधार पे हिस्ट्री पढ़ा जाता है। विदाउट सोर्सेज वी कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री। सोर्सेज ही हम लोग की इन्फॉर्मेशन बताता है, हमें बताता है कि पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे और कैसे उसकी रहन सहन हुआ करती थी। तो हिस्ट्री को हम लोग सोर्सेज के आधार पे पढ़ेंगे। सोर्सेज, देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज में भी दो तरह का सोर्सेज आता है जिससे हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट वन इज लिटररी सोर्सेज। लिटररी सोर्सेज मीन्स क्या होता है? लिटररी सोर्सेज मीन्स एज लिटरेचर, लिटररी से लिटरेचर जिसको पढ़ और लिख सकते हैं। तो लिटररी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच कैन बी रिटेन एंड रीड। तो वैसे सोर्सेज जो हमें, जैसे में बुक हो गया, तो कई आगे हम हिस्ट्री में अभी आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि किस तरह का लिटररी सोर्सेज आया था जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताया था। द सेकंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहला है लिटररी सोर्सेज, सेकंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज।